तो इसकी हम पूंछ खाएं या इसका मुंह खाऊं? Welcome back to my another vlog. This is Divya Gupta. I hope you all are doing great. So, आज है संडे टाइम दोपहर के 12 बज चुके हैं. हाँ, मॉर्निंग में उठी थी, लेकिन उठ के आपको पता ही है मेरा क्या रूटीन. शायद कुछ लोगों को पता है जो मेरे पहले व्लॉग देख चुके हैं कि मॉर्निंग उठ के मैं सुबह चाय वाय बनाती हूँ रोहन के लिए, ऑमलेट वगैरह, फिर दोबारा सो जाती हूँ. तो अभी दोबारा उठी हूँ मैं 12 बजे और आज अच्छे से मैंने नींद पूरी की है. संडे है, नो जॉब नो कॉलेज. और आज इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं अपना पूरा दिन कैसे बर्बाद करती हूँ. बर्बादी हुआ ना, कुछ करने लायक नहीं है तो, बट मैं ट्राई करूंगी कुछ ना कुछ अच्छा करूँ अपने लिए, है ना, कि सारा दिन ऐसे बस पढ़ी नहीं रहूंगी. हाँ, कुछ तो करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह सबसे पहले मैं करती हूँ उठने की हिम्मत, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता यार जब रोहन चले जाते हैं कि हाय मैं उठूं या कुछ करूं. बस दिल करता है बस पड़ी रहूं, और नींद नहीं भी आई ना तो भी बेड पे पड़ी रहूं. लेकिन फिर मुझे हिम्मत करनी पड़ती है कि चल बहन उठ, कुछ कर जिंदगी में, ऐसे अपने बर्बाद मत कर, है ना, अपनी जिंदगी के दिन. तो आज का दिन हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम कुछ प्रोडक्टिव करेंगे. तो सबसे पहले मैं उठ के अपना जो रूम का है मेस वगैरह या जो भी है को, रूम को अच्छे से सेटिंग करेंगे, रूम को थोड़ा सुंदर बनाएंगे. वैसे तो ऑलमोस्ट मैं सुंदर बना के रखती हूँ, मुझे आपको पता है मुझे खलारा वलारा पसंद नहीं है. तो अभी सेटिंग वेटिंग करते हैं रूम की थोड़ी सी. गाय सुबह उठते ही बेड पे बैठे बैठे सबसे पहले मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ, जिसमें मैं अपना इंस्टाग्राम, अपना स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक एंड साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप चेक करती हूँ. उसके बाद फिर हिम्मत करके इस कोजी से ब्लैंकेट में से बाहर निकलना पड़ता है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट काम है. चलो अभी रूम क्लीन करते हैं सारा. चुका है, लेकिन मुझे लगी अब बहुत ज्यादा भूख, तो सब्जी बनी पड़ी है, लेकिन रोटी बनानी पड़ेगी. रोटी बनाने का मूड नहीं है, तो मेरा ध्यान जाता है इस बॉक्स की तरफ. तो ये मुझे भेजा है स्नैक सरप्राइज की तरफ से. बेसिकली ये सरप्राइज होता है, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से स्नैक्स भेजते हैं, तो ये मेरे लिए आज सरप्राइज है. इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी कंट्री से आया है, जस्ट स्नैक्स सरप्राइज लिखा है. तो इसको ओपन करने पे ही मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सी कंट्री के स्नैक्स रिसीव हुए हैं. तो देर किस बात की, जल्दी से खोलते हैं, भूख भी लगी है, मौसम भी अच्छा है, तो हम न्यू कंट्री के स्नैक्स एंजॉय करते हैं. ओके, तो मैं डेनमार्क के स्नैक्स ट्राई करने वाली हूँ, एंड इसमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, फैक्ट्स अबाउट डेनमार्क. एंड उसके आगे ये मिनी बॉक्स होता है, तो मुझे रिसीव हुआ है ओरिजिनल बॉक्स. तो ये जो बॉक्स है, दिस इज ओरिजिनल बॉक्स. मिनी बॉक्स में होते हैं 6 स्नैक्स और ओरिजिनल बॉक्स में है टोटल 11 स्नैक्स. एंड उसके बाद प्रीमियम बॉक्स भी होता है, जिसमें टोटल आपको 21 स्नैक्स मिलते हैं, और ये सारा उसका कंटेंट बताया हुआ है, कौन सा स्नैक्स है, उसके नेम्स, और एक इसमें इन्होंने डेनमार्क की होममेड रेसिपी बताई गई है.
जो कि मैं ट्राई नहीं कर सकती, इट्स मेड ऑफ पोर्क। ओके इसको छोड़ो, हम स्नैक्स ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ किम्स स्नैक चिप्स, दिस वन। सुपर यम्मी। सो नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं किम्स अमेरिकन ग्रिल। ओके आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, आप स्नैक सरप्राइज इनकी वेबसाइट पे जाके कोई भी बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं और हर मंथ एक न्यू कंट्री के स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। बहुत सही है यार। ओके नाइस। सो नेक्स्ट इज दिस। सॉफ्ट मार्शमेलो टाइप है, तो इसकी हम पूंछ खाएं या इसका मुंह खाऊं? पूंछ खा लेती हूँ इसकी। बहुत बहुत ज्यादा यम्मी है, माय फेवरेट, अब तक का फेवरेट है। सो नेक्स्ट इज फाइव स्टार चॉकलेट है ना, बिल्कुल वैसा सही है। अभी कौन सा ट्राई करें? दिस वन। तो इसका शेप कुछ इस तरीके का है। ओ मम्मी उम्र सारी बच गया। तो इसके अंदर कुछ येलो येलो सा है, लेट्स ट्राई। ऊपर चॉकलेट है, अंदर से कुछ जेली टाइप का है, नॉट सो गुड। सो नेक्स्ट है मेरे पास बम इन मेडीरा। लुक एट दिस, क्या है ये गाइस, पढ़ लो अपने आप। कुछ इस तरीके का है ये, और ट्राई करते हैं। एक हमारे पास ये कुछ कैंडीज भी हैं, तो हम ये ट्राई कर लेते हैं ये कैसी है। तो ये कैंडी कुछ इस शेप की है और इसके अंदर कुछ जेली टाइप है, लेट्स ट्राई। ये भी कोई इंडियन टॉफी जैसा टेस्ट है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सी टॉफी है। इट्स लाइक हाँ थोड़ा थोड़ा एक लेयर्स टाइप है। तो पहले हम ये ट्राई करते हैं, देख सकते हैं इसमें कुछ जेलीज हैं। वाओ खुशबू बहुत सही है, लुक डिफरेंट डिफरेंट इसके शेप्स हैं। दिस दिस और भी बहुत सारी डिफरेंट शेप्स हैं दिस। तो मैं कौन सा ट्राई करूँ? नहीं मैं ये ट्राई करती हूँ, गोली गोली। पता नहीं कैसे खानी है, चबा के खानी है या फिर चूस चूस के खानी है। नाइस बट अभी ये मूड नहीं है मेरा खाने का, क्योंकि दांतों में बहुत चिपक रही है। तो पहले हम करते हैं ड्रिंक ट्राई। तो ये है फेक्स कॉन्डी, देख लो भाई, पढ़ लो क्या है ये, लेट्स ओपन इट। इट्स लाइक लिमका यार, लिमका एकदम लिमका ही है, मजेदार लिमका। वैसे ही मेरे को पसंद है लेकिन नींबू मसाला डाल के। ओके सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये हम ट्राई करेंगे दिस गमीज। ओ क्यूट, कुछ इस तरीके की है ये, लाइक दिस बनाना टाइप बनी, बनाना नहीं क्या बीन्स टाइप बनी हुई है जेलीस। ओके तो सबसे बेस्ट मेरे को चीज क्या लगी है, एक तो ये मछली जो मैंने बताया मार्शमेलो टाइप है, बहुत सही है ये चीज़।
मैंने खत्म कर दे दिया रोहन के आने से पहले, और चिप्स तो मेरे को दोनों ही मस्त लगे। बाकी एक्चुअली मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। हाँ मेरे को चॉकलेट्स पसंद है, लेकिन जब एक साथ इतना ज़्यादा मीठा हो जाए ना, फिर मेरे को कुछ कुछ होने लग जाता है। तो मिनी में 6 है, ओरिजिनल में 11 है, एंड प्रीमियम बॉक्स में आपको 21 स्नैक्स मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच स्नैक्स सरप्राइज फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। तो अभी मैं इनको संभाल के रखूंगी, बाद में थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, क्योंकि एकदम इसके ऊपर भी लिखा है डोंट ईट इट ऑल स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो फिर भी कुछ बनाना पड़ेगा खाने के लिए यार, इससे भूख नहीं मिटी मेरी। तो भूख को मिटाने के लिए तो वही रोटी तो बनानी पड़ेगी। चलो पहले अब मैं रोटी बना लेती हूँ, है ना।